भीमेश्वर हत्याकांड की जांच कर पुलिस के हाथ एक और बड़ी सफलता लगी है। बरेली पुलिस ने सिपाही मनोज गौड़ और एक प्रॉपर्टी डीलर शफरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। पीलीभीत जेल ने के सिपाही मनोज गौड़ पर बिना आईडी प्रूफ के अशरफ से अतीक गैंग के गुर्गों की मुलाकात करवाने का आरोप है। वहीं प्रॉपर्टी डीलर शफरुद्दीन आर्थिक रूप से मदद करता था। बताया जा रहा है कि सिपाही ने 2 महीने पहले पीलीभीत अपना ट्रांसफर करा लिया था। इस मामले में अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। साथ ही इस हत्याकांड मामले में अभी कई बड़े नाम आने की संभावना जताई जा रही है। कैनपुर स्थित केंद्रीय कारागार 2 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसमें पहले 2 व्यक्तियों को जेल भेजा गया था। उसके बाद अभी एक पीलीभीत जेल में तैनात मनोज गौंड नाम का सिपाही है, जो 3 महीने पहले बरेली जेल में ही तैनात था और बरेली जेल में गैरकानूनी तरीके से और फर्जी दस्तावेजों पे मिलवाने के अपराध में इस सिपाही को जेल भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम शफरुद्दीन है, जो बरेली का निवासी है, उसको भी जेल भेजा जा रहा है।